हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड कैश क्रेडिट, जिसको हम नॉर्मली सीसी बोलते हैं बैंक्स में। सीसी और ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है? आप किसी भी बैंक की इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो कोई सरकारी बैंक हो, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट आप कह लीजिए पॉपुलर क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट और सीसी में क्या डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये है क्या। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह, एंड अभी तक अगर आपने बैंक एग्जाम्स टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोज़ जो हैं मिलती रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपका किसी बैंक में करंट अकाउंट है और उसमें आप मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं। आपका करंट अकाउंट है और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, आपकी स्टैंडिंग अच्छी है, आपको जानते हैं अच्छे से, तो वो आपको ज्यादातर बैंक से करते हैं आपको एक ओवरड्राफ्ट का एक आपको लिमिट दे देते हैं। मान लीजिए आपका नॉर्मल जो एवरेज बैलेंस है वो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए रहता है। आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है वो 1 लाख रुपए रहता है पिछले 3-4 सालों से। तो बैंक वाले क्या करेंगे, ठीक है जी, ये तो हमारा एक अच्छा कस्टमर है, इसको आप दे दीजिए, इसको 30-40 हज़ार रुपये की क्या कहते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दीजिए। अगर इसका मतलब ये है, अगर आपका राइट नहीं भी है, आपका कोई क्लेम नहीं बनता, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपको 1,20,000 की ज़रूरत है, या छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, आपके अकाउंट से ज़्यादा आपको पैसे चाहिए, तो आप वो पैसे निकाल सकते हैं, राइट। ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट के साथ चलता है, करंट अकाउंट की एक फैसिलिटी है और बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना ओवरड्राफ्ट आपका बढ़ा घटा सकते हैं। जबकि कैश क्रेडिट जो है ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये एक पर्सनल लेवल की चीज़ है ओवरड्राफ्ट, राइट। कैश क्रेडिट बिल्कुल अलग चीज़ है। कैश क्रेडिट का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपको कोई बिजनेस है, आपकी एक फैक्ट्री है टायर मैन्युफैक्चर करने की, राइट, और आपने क्या किया जी, आपका जो वर्किंग कैपिटल था वो था 10 लाख रुपए। 10 लाख आपका वर्किंग कैपिटल है, 10 लाख में से आपने कुछ रबड़ खरीद लिया, आपने मशीनरी खरीद ली, आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास वैसे तो बिल्डिंग है, आपकी खुद की बिल्डिंग है। मान लीजिए आपके पास 50 लाख की बिल्डिंग है, 10 लाख का आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल आपके पास 10 लाख का है, बिल्डिंग आपके पास है जी 50 लाख की, इन्वेंट्री जो आपके टायर बने पड़े हैं वो आपके पास 5 लाख के पड़े हैं, 10 लाख के ही पड़े हैं, चलिए अभी देखने को आपके पास 70 लाख की आपके पास एक करंट लेवल की प्रॉपर्टी है, करंट एसेट्स जो रेशियो एनालिसिस है मैं अगले चैप्टर में अगली वीडियो में कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि 70 लाख रुपए का आपके पास प्रॉपर्टी है, अपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, लेकिन आपके पास अपना बिजनेस चलाने के लिए, लेबरर्स को पैसे देने के लिए, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है। ये इन्वेंट्री बेच के आप 4 महीने बाद, 3 महीने बाद आप ये इन्वेंट्री बेचेंगे, धीरे धीरे बिकेगी, तब आपके पास पैसा आएगा, तब आप पे आउट कर सकते हैं। अभी पुराने टाइम के हिसाब से आढ़ती वगैरह जो होते हैं, जो छोटे छोटे मनी लेंडर्स होते हैं, जो 10-10% महीने का ब्याज लेते हैं, 5-5%, या ये सच्चाई है, 5% महीने का ब्याज अभी भी दिया जाता है। तो बैंक क्या कहता है कि ठीक है, आप एक कैश क्रेडिट अकाउंट खोल लें और ये सब मेरे पास गिरवी रख लें, चाहे रॉ मटेरियल, चाहे बिल्डिंग, चाहे अपनी बिजनेस की इन्वेंट्री, इवन इन्वेंट्री तक, अगर आपके बिजनेस में 10 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है, इसके ऊपर क्या है, बैंक कैश क्रेडिट देता है। पिछले कुछ टाइम से इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है कि बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनको रिश्वत खिला के ये गलत तरीके से इन्वेंट्री शो करते हैं कि हमारे पास 10 लाख की इन्वेंट्री है और अंदर चाहे 10,000 की हो, तो फिर लोन लिया जाता है और वापस नहीं दिया जाता और फिर वो एनपीए वगैरह होता है, बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स निकल के आई थी। तो चलिए मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट पे खुलता है, ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट की एक फैसिलिटी है। कैश क्रेडिट के लिए कैश क्रेडिट एक अकाउंट होता है, प्रॉपर अकाउंट होता है, और अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है, कुछ अच्छे लेवल का कुछ बिजनेस है आपका, बड़ा है चाहे छोटा है, आप अपना इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, मशीनरी कुछ भी आप गिरवी रख के, आप अपनी ये लिमिट एक है वो आपकी, वो कैलकुलेट करेंगे बैंक के मैनेजर्स, एक्चुरी वाले जो हैं वो आपकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल लिमिट है ये बिल्कुल, और ये जो है आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ओवरड्राफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ, उस पे डिपेंड करता है कितनी बढ़ेगी या घटेगी, वो आपका कुछ चेक नहीं करने आते, तो इसकी भी
काफी तरह के होते हैं ओवरड्राफ्ट, मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट जो है ये किसी भी पर्पस के लिए अवेल किया जा सकता है। आपसे कोई पूछने ही नहीं वाला कि भाई आपने ओवरड्राफ्ट जो है ये आपने बिजनेस के लिए लेना है कि पर्सनल लेना है। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रहता है नॉर्मली पिछले 1-1.5 साल से, और बैंक वालों को पता है जी ये बंदा कभी भी चोरी चकारी नहीं करेगा, मुकरेगा नहीं, इसका स्टैंडिंग अच्छा है पिछले 5-6 सालों से, इसको जी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दो 30-40 हज़ार की। ठीक है, कैश क्रेडिट का ये है कि अगर आपको कैश क्रेडिट दिया गया, सीसी की लिमिट दी गई, आप उसको पर्सनल यूज में नहीं ला सकते। ये चेक हो सकता है क्योंकि इसमें एनपी होने के चांस बहुत ज्यादा है, तो बीच बीच में जो बैंक्स वाले हैं वो ऑडिट कर सकते हैं, भाई आपने कैश क्रेडिट लिमिट में से इतना पैसा लेकर गए हैं बैंक में से, आपने कहाँ लगाया है, क्या आप गाड़ी लेकर आए हैं, क्या आपने एक बड़ी गाड़ी खरीदी, आपने अपना घर खरीद लिया है उन पैसों से। अगर इसका जवाब हाँ है तो वो कैश क्रेडिट की लिमिट कैंसिल कर दी जाएगी और बैंक अपना पैसा वापस वसूल लेगा सिक्योरिटी से। आगे आते हैं तो एक्सेस विद्रॉल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड को, जी ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ये करंट अकाउंट होल्डर्स को ही दी जाती है। ठीक है, और कभी कभी सेविंग अकाउंट होल्डर को भी दी जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर है। सेविंग्स होता है, सेविंग नहीं होता। सेविंग अकाउंट होल्डर्स को बहुत रेयर दी जाती है, मोस्टली नॉर्मली ये करंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है। लेकिन कैश क्रेडिट सीसी के लिए अलग से अकाउंट होता है, कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट अलग अलग चीजें हैं। आगे बात करते हैं, जनरली दे डोंट रिक्वायर एनी एसेट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओवरड्राफ्ट के लिए, नॉर्मली कोई सिक्योरिटी नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन कई बार सिक्योर्ड जो सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट है ये भी होता है। नॉर्मली जो बिना सिक्योरिटी के है उसे क्लीन ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर केसेस में जो है सिक्योरिटी साथ में लगाई जाती है। लेकिन ये सिक्योरिटी कुछ इन्वेंट्री रॉ मटेरियल वगैरह नहीं होती, ये गोल्ड हो सकता है, ये घर हो सकता है, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन कैश क्रेडिट का सीन बिल्कुल अलग है, ये आपकी रॉ इन्वेंट्री है जो ये सीए से एक पूरा सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है कि सीए आपका पूरा वैल्यूएशन निकालता है जी, इसकी इस बिजनेस की इतनी इन्वेंट्री है और नॉर्मली इतनी इन्वेंट्री रहती है, इतनी इस बिजनेस जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है, प्रॉपर एक प्रोफेशन है प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने का, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है। और रिसीवेबल जो आपके डेटर्स हैं, आपने लोगों से कितने पैसे लेने हैं, और उन सबको इकट्ठा करके या इनमें से कुछ पोर्शन को निकाल के उसके हिसाब से एक आपका क्या कहते हैं सीसी की लिमिट बनाई जाती है। मान लीजिए आपका ये सारा जो टोटल है ये आपका 10 लाख रुपए निकलता है, ये सभी जो है एसेट की वैल्यू, बैंक हो सकता है आपको 4-5 लाख का सीसी दे दे या इससे भी कम 3-4 लाख का सीसी दे दे। गोल्ड लोन में, गोल्ड लोन जो है वैसे वो तो पर्सनल लेवल पे आ जाता है, उसमें ऐसे होने लग गया था कि बैंक जो थे, जो एनबीएफसी थे, वो नॉर्मली 70-80% तक भी देने लग गए थे, मतलब गोल्ड का जो ऑर्नामेंट था उसकी वैल्यू का 70-80%। तो आरबीआई ने गाइडलाइन भी लाया था कि 60% से ज्यादा आप ना दें। तो चलिए वो थोड़ा रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। ओवरड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्टर पीरियड। देखिए ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है, कैश क्रेडिट एक पूरा प्रॉपर अकाउंट है, ये एक मीडियम टर्म का आप कह लीजिए लोन है, ये चलता रहता है। ये इसका पर्पस यही है कि देखिए आप जैसे कोई सब्जी वाले होंगे या रिक्शे वाले या कोई ऐसे लोग जिनके पास अपनी जेब में कुछ खास पैसा नहीं है, कुछ ऑटो वाले ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे किसी बंदे से ब्याज पे पैसे लेते हैं अपना काम चलाने के लिए या अपनी ईएमआई भरने के लिए, ताकि उनको सुबह सारा दिन वो काम करते हैं शाम को पैसे मिलते हैं, तो उन पैसों में से अपने जो उनके जो ऑटो का जो ईएमआई कहते हैं रोजाना की रोज वो पैसे भरते हैं। तो ये सिमिलर वे में आप कह सकते हैं कि कैश क्रेडिट में कुछ ईएमआई या ऐसा कोई सीन नहीं है। मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल है, रिसीवेबल है, सब कुछ है, आपके पास करंट एसेट है, लेकिन कैश नहीं है, आपने अपनी कैश की किल्लत दूर करनी है। एक बिजनेस है जिसके पास कैश नहीं है तो वो कैश क्रेडिट का इस्तेमाल करता है, जबकि ओवरड्राफ्ट तो एक पर्सनल लेवल की चीज आ जाती है कि भाई मेरे अकाउंट में नॉर्मली 1-1.5 लाख रुपए तो रहता है, बैंक वालों से आप एक फेवर ले सकते हैं कि भाई मेरे पास आज मुझे हो सकता है ज्यादा जरूरत है पैसों की, तो आप थोड़ी सी लिमिट बढ़ा दें। तो ये ओवरड्राफ्ट है और कैश क्रेडिट में बेसिक डिफरेंस तो यही है। जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है वो फिक्स्ड होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब बहुत आपको बैंक जाना पड़ेगा फिर से फॉर्म, पता नहीं एक प्रोसेस है चेंज करने का। आपका मान लीजिए आपका 40 हज़ार फिक्स्ड है, जब तक आप बैंक को जाके रिक्वेस्ट नहीं करेंगे इसको बढ़ाने की, या अगर आपका एवरेज मंथली जो क्वार्टरली बैलेंस है वो आपका एक
ज़्यादा नहीं हो जाता, जो आपका नॉर्मल आपका एवरेज बढ़ता नहीं है, तब तक बैंक ये लिमिट नहीं बढ़ाता, राइट। जबकि कैश क्रेडिट के सीन में ये चेंज होता रहता है। आप जब भी आपका जो इन्वेंट्री बढ़ जाए, आपका करंट एसेट्स डेटर्स बढ़ जाए, आपकी बिल्डिंग्स नहीं ले ली हैं, तो आप ये अपना लिमिट जो है ये आसानी से बढ़ जाता है। जबकि ओवरड्राफ्ट में ये थोड़ा सा फिक्स्ड टाइप का चीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक को पता ही नहीं होता आपने कब कितने पैसे मांग लेने हैं, तो उन्हें इमरजेंसी के लिए पैसे रखने पड़ते हैं। जबकि कैश क्रेडिट में बैंक को पता ही है कि एग्जैक्टली इतनी जो है पैसा है इस बिजनेस ने हमसे मांगना ही मांगना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम होता है ओवरड्राफ्ट में। ओवरड्राफ्ट में कुछ चार्जेस भी लगाए जाते हैं, इंटरेस्ट तो लगाते ही लगाते हैं, तो बहुत महंगा है ओवरड्राफ्ट, जबकि कैश क्रेडिट है बहुत सस्ता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो था ये IBPS PU के मेगा प्रिपरेशन कोर्स में। कल मैं दोबारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। मैंने DI के अभी तक आई थिंक तीन तीन वीडियोस मैं बना चुका हूँ, तो DI को थोड़ा सा अभी मैं स्लो डाउन करूंगा। आपको मैं थोड़ा टाइम दूंगा कि आप अपने लेवल पे DI के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करें। बाकी इंग्लिश का भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, और आने वाले आई थिंक कल मशीन इनपुट आउटपुट या हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत एक अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके मिस कर जाते हैं। बेसिक्स कराऊंगा, पहली बार मैं बेसिक्स कराऊंगा Part 1। Part 2 में जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं SBI PO मेन्स में या IBPS PO मेन्स में, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा, और उसके बाद हम करते जाएंगे। आप देखिएगा 2-2.5 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं एडवांस लेवल की एक सीरीज भी चलाऊंगा, जिसमें मैं थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन शेयर करूंगा, और सेम टेक्निक्स यूज करूंगा जो मैं आजकल आपके साथ यूज करी है। मैंने क्वांट में यूज करी है, मैंने रीजनिंग में यूज करी है, ये सारी टेक्निक्स मैं यूज करके ही क्वेश्चंस करूंगा। पिछली वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक करा है, बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम करा कि सर अगर मेरा आंसर दूर हो तो क्या करेंगे। मैं सेम टेक्निक्स यूज करके SBI PO के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एंड उसकी एक्यूरेसी 95 टू 96-98% तक रहती है, लेकिन आपका काम हो रहा है। मतलब आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप एग्जैक्टली आंसर ढूंढने बैठेंगे। सभी जो लोग पेपर क्लियर करते हैं, या 90% ऑफ द पीपल जो पेपर को क्लियर करते हैं, या जो अच्छे टीचर्स हैं, वो सब लोग एस्टिमेशन यूज करते हैं। इसको मान लीजिए, जितना जल्दी मानेंगे आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए, जाने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, GK डाइजेस्ट आप जरूर इंस्टॉल करें, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन। मैं रोजाना इस पे क्या अपना जो स्टडी मटेरियल है और GK के कॉन्सेप्ट्स हैं, वीडियोस हैं, ये मैं सभी इस पे डाल रहा हूँ। एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और IBPS का जो मेगा प्रेप कोर्स है, IBPS PU मेगा, ये जो मेगा प्रेप कोर्स है, इसको आप जरूर लें, इस पे जरूर आप इनरोल कर लें एक बार, ताकि आपको मेरी जितनी भी मैंने टेक्निक्स अभी बता रहा हूँ, अभी डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह की शुरू करी है, उसका आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट के साथ आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू।